तो दोस्त, आज हम बात करेंगे ये दो ऐसी कंपनीज के बारे में जहाँ पे हमेशा ओपनिंग्स रहती हैं। तो अगर आप एक जॉब सर्च कर रहे हो अपने लिए और आप फ्रस्ट्रेटेड हो गए हो या आपको जॉब मिल नहीं रही है, वो आपका आईटी फील्ड हो सकता है, मार्केटिंग, सेल्स, एचआर, कोई सा भी फील्ड हो सकता है, तो उस कंपनी में जाने के बाद आप वॉक इन भी जा सकते हो और आप उनसे अपॉइंटमेंट लेके या Naukri.com के थ्रू भी जा सकते हो। मैं आपको बता दूं कि जो एक आइनाइजर है और एक कोग्निजेंट जो कंपनी है, यहाँ पे आप जाओगे तो वहाँ यहाँ पे हमेशा आपको ओपनिंग्स मिलेंगी। 24x7 कंपनीज होती हैं और जो ओपनिंग्स हैं वो आपको 365 डेज मिल जाएंगी वहाँ पे, अगर ईयर की बात करो तो। बट द थिंग इज ईयर कि अगर आप ऐसी कंपनीज में जाते हो तो वहाँ पे आपको प्रॉब्लम क्या होती है, आपको कॉल सेंटर की जॉब मिलती है, डेटा एंट्री की जॉब मिलती है, बैकएंड की जॉब मिलती है। तो ये जॉब्स आपको बेसिकली वहाँ पे ऑफर करी जाती हैं जो कि आपको डायरेक्ट मिलती है। अब यहाँ पे एक सबसे बड़ा आपके लिए प्लस पॉइंट क्या है कि यहाँ पे आपका कम्युनिकेशन नहीं देखा जाता है, आपका यहाँ पे स्किल सेट नहीं देखा जाता है, क्योंकि वो कॉल सेंटर है। हो सकता है आपको इनबाउंड कॉलिंग पे बैठा दिया जाए, हो सकता है आपको आउटबाउंड कॉलिंग पे बैठा दिया जाए। जिस भी डिपार्टमेंट में या जिस भी लाइन में वहाँ पे आप जाते हो वो डिपेंड करता है कंपनी में अंदर जाने के बाद। तो स्टार्टिंग में आपको जॉब तो वो दे देंगे, आप गए, आपका अगर आप सिर्फ नॉर्मल हिंदी भी बोल पाते हो सिंपल सी लैंग्वेज में, तब भी इन कंपनीज में जाओगे आपको 100% जॉब मिल जाएगी। एक आइनाइजर मैंने बताया, कोग्निजेंट बताया आप, क्योंकि इनके बहुत सारे ब्रांच ऑफिस हैं, आप अपने लोकेशन के अकॉर्डिंग सर्च कर सकते हो कि आइनाइजर आपके नियर बाई कहाँ पे है, कोग्निजेंट आपके नियर बाई कहाँ पे है। तो यहाँ पे आपको हमेशा ओपनिंग्स मिल जाएंगी। और भी दो चार ऐसी कंपनीज हैं, अगर आप सर्च करोगे कॉल सेंटर जॉब्स इन फॉर सपोज दिल्ली NCR या बैंगलोर, तो वहाँ पे कॉल सेंटर में आपको हमेशा ओपनिंग्स मिलती हैं। बट इन द लास्ट क्या प्रॉब्लम आती है कि अगर आप किसी एक टेक्नोलॉजी पे काम करना चाहते हो, किसी एक फील्ड में जाना चाहते हो, जैसे मैं बात करूँ अगर कि आईटी में जाना चाहते हो, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप कोशिश करो आपको उसी फील्ड में जॉब मिले। लास्ट ऑप्शन आपका ये होना चाहिए कि जब आपको जॉब ही ना मिले। तो उस केस में होता क्या है दोस्त, जब आप कॉल सेंटर में एंट्री कर जाते हो, कॉल सेंटर में एंट्री करने के बाद वहाँ पे आपका सैलरी ग्रोथ नहीं है, आपका करियर नहीं है, स्ट्रक्चर वहाँ पे इतना अच्छा नहीं होता है। अगर आप कॉल सेंटर की बात करो, आपने अगर 2 साल, 4 साल, 5 साल भी काम कर लिया, तो हो सकता है आप बहुत ज़्यादा 20 से 25 हज़ार की सैलरी पे वहाँ पे पहुँचोगे। तो वो कंडीशन वहाँ पे होती है, ये प्रॉब्लम होती है। फिर और प्रॉब्लम एक ये होती है कि कुछ लोग सोचते हैं कि नहीं, हम जॉब के साथ अपनी पढ़ाई भी करते रहेंगे, साइड बाय साइड वो करते रहेंगे। तो सिर्फ 2 से 3% लोग ऐसे होते हैं जो जॉब के साथ पढ़ाई कर पाते हैं, क्योंकि पूरे दिन इतना काम होता है उन सेक्टर्स में, तो आप शाम को आके फिर वो काम कर नहीं पाते हो, कॉल्स इतनी ज़्यादा हो जाती हैं, ओवरलोडेड। तो ध्यान रहे कि अगर आप 3% में आना चाहते हो तो ही फिर कॉल सेंटर ज्वाइन करो, अदरवाइज अपनी लाइन की जॉब सर्च करो पहले, और जब नहीं मिलती है तब आपका वो लास्ट ऑप्शन होना चाहिए। बाकी अगर आप हार्डवेयर नेटवर्किंग या डेस्कटॉप सपोर्ट, आईटी सपोर्ट में अगर आप जॉब सर्च करो, नीचे मैंने कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं जो आपको 90-95% इंटरव्यू में वही मिलने वाले हैं। एंड मेरा बेस्ट रिज्यूमे है, आप चाहो तो उसको भी चेकआउट कर सकते हो, जो कि आपको पोर्टल्स पे 100% शॉर्ट लिस्ट कराने वाला है। मेरा नाम है शुभम अहमद, तो नेक्स्ट वीडियो में टिल देन हैव अ ग्रेट मोमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग।